हेलो एंड नमस्ते मैं हूं अनुष्का चांडक आपकी कथा इंस्ट्रक्टर हमारे चक्कर के सीरीज़ में हमने कई वैरायटी की और कई बीट्स की चक्कर सीखी थी आज हम देखने वाले हैं आधी यानी कि हाफ चक्कर आधी है इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि आप इसे फास्ट करें उसी में उसका मज़ा है ये स्पिन्स हम करते हैं तीन लेवल्स में लेकिन इन तीनों लेवल की एक कॉमन बात है वो है पैर तो सबसे पहले पैर सीख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीछे मुड़ जाइए क्योंकि ये हाफ स्पिन्स है आप हर चक्कर में सामने देखते हैं अब दूसरी बात ये है कि आपके जो पैर है वो कुछ इस तरह से चलते हैं सबसे पहले हम राइट से शुरू करेंगे क्योंकि कई लोगों का राइट ही डोमिनेंट होता है तो जब आपका राइट हाथ बाहर जाए चक्कर में तब आपका जो राइट पैर है वो फ्लैट होता है और जो लेफ़्ट पैर है वो खड़ा होता है यानी कि आपके टोर्स पे होता है इससे आपको वो लेवरेज मिल जाता है ताकि आप सामने फेस कर पाए आपकी बॉडी ट्विस्ट होती है टॉर्सो भी सामने फ़ेस करता है बनती कोशिश ये रखिए कि आपके जो शोल्डर्स है वो भी सामने फ़ेस करें आप, आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा ट्विस्ट करिए अब दूसरा जो आपका पैर है वो कुछ इस तरह से चलता है आपने सबसे पहले तो आपका राइट हाथ पॉइंट किया है सामने यहाँ से धीरे धीरे आपका बैलेंस शिफ्ट होता है और आता है आपके लेफ्ट पैर के ऊपर जो खड़े से घूम के फ्लैट हो जाता है और आपका जो राइट पैर है वो यहाँ से घूमकर खड़ा हो जाता है और ये चलते रहता है जितनी भी बार आप ट्विस्ट करेंगे आपके पैर कुछ इसी तरह से चलेंगे एक और कॉमन बात है तीनों लेवल्स की वो है डायरेक्शन, यानी कि जब आप पीछे फेस कर रहे हैं तो हर बार आपको आपका सेंटर पकड़ना है आपके हाथों को डायरेक्ट करने के लिए लेवल कोई भी हो लोअर मिड या टॉप लेकिन जो सेंटर है एक मान लीजिए कि एक सेंटर से लाइन जाती है आपके बिल्कुल सामने से आपको ना उस लाइन को क्रॉस करना है ना उसके पहले हाथों को रोकना है आपको बराबर उस लाइन को टारगेट करना है जो बिल्कुल बीच से गुजरती है तो एक वर्टिकल लाइन है यहाँ पर ऐसा मान कर चलिए और हर बार उसी लाइन पर आप आपके हाथ डायरेक्ट करेंगे कुछ ऐसे अब सीखते हैं लेवल्स तो हर बार जब आपका हाथ बाहर जाता है तो वो खुलता है और फ्रॉम अराला यानी कि उत्पत्ति में जो आपके हाथ है वहाँ से खुलकर वो पताकबे स्ट्रेट डायरेक्ट करता है आप इसको जितना शार्प कर सकते हैं उतना शार्पली कीजिए ये खुल गया और आपको इसे कॉम्प्लीमेंट करना है अपने टॉर्सो से और आपकी नेक से कुछ इस तरह से सबसे पहले तो जब आप नीचे की लेवल से शुरुआत करते हैं तो ये याद रखिए कि एक 45 डिग्री है यहाँ से इफ़ दिस इज़ माय 90 डिग्री ये 45 फाइव डिग्रीज नीचे है हाथ तो यहाँ पर आपको चांस है बॉडी से बेंड देने का आपका टॉर्सो यहाँ पे ग्रेसफुल हो सकता है बेंड कर सकता है तो इवन दो ये मूवमेंट बहुत पावरफुल और शार्प है इसमें फिर भी थोड़ी गुंजाइश है ग्रेस की अब जब आप मिडिल लेवल को टारगेट करते हैं तब आपका टॉर्सो कहीं से भी मुड़ नहीं सकता है इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेट स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंट आपकी आई लेवल पे देखिए जब आप टॉप लेवल के साथ डील कर रहे हैं तब भी टॉर्सो का एक हल्का राइज़ है जो और ज़्यादा इन्हांस करता है कि आप ऊपर की तरफ़ पॉइंट कर रहे हैं आई शो यू अ वेरी बेसिक डिफरेंस जब मैं सिर्फ ऐसे पॉइंट करती हूँ तो शायद वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है लेकिन जब मैं मेरे टॉर्सो से उसे राइज देती हूँ तब तो ऐसा एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हम रीचिंग आउट इन द डायरेक्शन। उससे आपकी जो मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल लगेगी चलिए इसकी एक साथ प्रैक्टिस करते हैं हम सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की लेवल पर आकर फिर सम दे देंगे एंड फाइव सिक्स सेवन एंड एक दो तीन चार पाँच छ एंड एक दो तीन चार पाँच छः जितनी तेज़ी से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप कीजिए तभी ये मूवमेंट निखर कर आएगी एंड दैट वॉज क्लास फिट टुडे आई होप आपको मज़ा आया ये सीखने में हमारे नए ट्यूटोरियल्स आते हैं हर वेंसडे और फ्राइडे को तो हमसे जुड़े रहिएगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे अगली क्लास में हम जरूर मिलेंगे तब तक के लिए कीप डांसिंग